प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर विवादित बोल भी सामने आया। जेडीयू के सांसद हैं कैशलेंद्र कुमार, उनका विवादित बयान सामने आया। राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण के सवाल पर भड़क गए जेडीयू के सांसद। तो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर जो कार्यक्रम होगा, इसके निमंत्रण पर जेडीयू सांसद की तरफ से विवादित बोल निकल गए। जेडीयू सांसद कैशलेंद्र कुमार का विवादित बयान सामने आया, क्या कहा गया आप देखिए। न्योता क्यों दे रहे हैं, किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, बताइए। वो जो न्योता दे रहा है बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़े अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। रामलला के निमंत्रण को लेकर विवादित बयान देने वाले ये जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं। ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता देने के सवाल पर उखड़े हुए हैं, अयोध्या जाने को लेकर बयान दे रहे हैं। इनके बयानों से करोड़ों राम भक्तों को जरूर दुख पहुंचा होगा। राम को लेकर लगातार राजनेता बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। कौशलेंद्र भी अयोध्या को लेकर विवादित बयानों के बाण से छोड़ने के पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ सालों बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अब प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, ऐसे में नेताओं के विवादित बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी राम मंदिर को बनने को लेकर टिप्पणी की थी। तेजस्वी ने कहा था कि राम मंदिर की बजाय अस्पताल या स्कूल बनना चाहिए था। इधर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, ऐसे में समाजवादी पार्टी शामिल होगी या फिर नहीं, इस बारे में डिंपल यादव से सवाल पूछा गया, उनकी तरफ से क्या कहा गया आप देखिए। राम मंदिर को लेकर कई सियासी दलों को निमंत्रण भेजा गया है। कई दलों ने 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, जब बुलावाएगा तो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। डिंपल ने कहा है सबको भगवान राम के आदर्श पर चलना चाहिए, क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? तो मन से राम भगवान राम जी के साथ है। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सपा शामिल होती है या नहीं अभी तय नहीं हुआ है।